बसमिल नादरीन आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मैं इमरान खान हूँ बड़ी ख़बरें हैं रशिया से एक बहुत खौफनाक ख़बर आई है वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर दहशत गर्दी का वाक़ा हुआ है और बहुत खून बहा है रशिया में बीस साल के बाद इतना बड़ा दहशत गर्दी का वाक़ा हुआ वो मैं आपको बताता हूँ लेकिन पहले पाकिस्तान के अंदर कुछ से कुछ ख़बरें हैं सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि किस तरीके से पाकिस्तान की अशराफिया जो है वो कंट्रोल करती है चीज़ों को यानी वह आरोज़ जिनके बारे में हाईकोर्ट्स ने यह कहा कि ये आरज़ किसी सूरत भी साफ़ और शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सकते लिहाजा अदलिया के आरोज लगाए जाए जैसे होता है हमेशा लेकिन फिर ब्यूरोट्स को आरोज लगाने के लिए कादिफाइसा साहब ने एक सहूलत फराम की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और फिर आरोज लगे कादीफाएदीशा साहब के फैसले के बाद तो जो आरोज लगे उन्होंने जो गुल खिलाए वो आपके सामने है और अभी तक ऐसा ही किया जा रहा है कि आर ओ बैठता है चंद घंटे के अंदर गिनती मुकम्मल करता है लाखों वोटों की और एक सीट जीते हुए को हरा के और जो दूसरा हारा हुआ उसको जिता देता है तो लगातार ये कार्रवाइयाँ अभी तक डाली जा रही हैं अब मैं आपके सामने एक नई चीज रखता हूँ एक और आर ने एक और कारनामा कर दिया है और वो कारनामा क्या है जरा ये देखिए आप ये डॉन के ऊपर खबर छपी है वहां से मैंने ये खबर उठाई है और इसकी तफसी मैं आपके सामने रख देता हूँ ये एक सीट है जी नवाब शाह की जिसको पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने जीता था या उनको जितवाया गया था जैसे भी है अब सिंध में तो इलेक्शन जैसा होता है वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं अब नवाब शाह से आफफ अली जरदारी साहब के सदर पाकिस्तानंतखिब होने के बाद एक नशस्त खाली हो गई वहाँ से आसिफा भुट्टो जरदारी जो जरदारी साहब की छोटी बेटी है आसिफा जरदारी उनको इलेक्शन लड़वाने का फैसला किया गया खातून अव्वल का स्टेटस भी उनके पास ही है क्योंकि खातून अव्वल या तो आपकी एहलिया होती हैं अगर वह मौजूद नहीं है तो फिर आपकी बेटी खातून अव्वल हो सकती है तो यह खातून अव्वल का स्टेटस भी इनके पास है और यही इलेक्शन लड़ने जा रही है कौमी असम्बली का जनरल इलेक्शन अब यहां पे कोशिश की जा रही थी कि तमाम उम्मीदवारों को बिठा दिया जाए उनके हक में और बिला मुकाबला यानी इलेक्शन लड़े बगैर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी इनकी बहन आसिफा जरदारी को यह इलेक्शन जितवा दिया जाए अच्छा अपोजिशन उम्मीदवारों पर काफी जोर डाला गया बाकी उम्मीदवारों सब को सबको कहा गया कि आप बैठ जाए इस इलेक्शन को वैसे ही जाने दें इसका मुकाबला नहीं करना चाह रहे हम तो इसमें जब उम्मीदवारों ने बैठने से इनकार कर दिया तो टोटल ग्यारह उम्मीदवार मैदान में आए थे आर के सामने उनमें से एक उम्मीदवार खुद आसिफा जरदारी साहबा हैं जरदारी साहब की बेटी और तीन उनके कवरिंग कैंडिडेट्स हैं तीन कवरिंग कैंडिडेट उनके अपने हैं यानी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने लोग हैं और उनके अलावा आठ दीगर लोग मौजूद थे तो वो सारे के सारे जो है उनके कागजाते नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं तमाम उम्मीदवारों के कागजात मुस्रद कर दिए ग्यारह की लिस्ट मौजूद है और उनमें जो एक्सेप्ट किए गए हैं कागजा नामज़दगी वो सिर्फ़ तीन हैं और बाकी सारे के सारे जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं यानी सातवां पेपर आसिफा भुट्टो जरदारी का है एक्सेप्टेड और उसके बाद नीचे वाले आखिरी दो जो हैं वो उनके कवरिंग कैंडिडेट हैं एक कोई सलंगी साहब हैं और एक और कोई ग़ुला सरवर साहब हैं ये लोग जो हैं इनके एक्सेप्ट किए गए हैं बाकी सारे के सारे रिजेक्ट कर दिए गए हैं अब वो कौन लोग हैं जिनके कागजात रिजेक्ट किए गए हैं जिनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा अब ये कोर्ट में जाएंगे देखें फिर क्या होता है लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि जरदारी साहब के खानदान में कौन कौन इस वक्त उदों के ऊपर बराजमान है मेन लोग बता रहा हूं दूर दराज के बाकी सब नहीं बता रहा मेन मेन लोग थोड़े से बता देता हूं आपको फरियाल तालपुर साहिबा जो है वो सिंध की करता धरता है और रुकन असेंबली है आज़रा पिचे जो हैं वो सूबाई वजीर सेहत हैं मीर मुनवर तालपुर जो हैं फ़्रियाल तालपुर के शौहर हैं अच्छा इसके बाद जी आसिफ अली जरदारी खुद आपके सामने सदर पाकिस्तान हैं बिलावल जरदारी अभी वजारत से उतरे हैं और इस वक्त उनके पास हुकूमत की बात दौर एक तरह से उन लोगों के हाथ में उनके बगैर हुकूमत चल नहीं सकती आसफा जरदारी भी कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रही हैं तो उनके जो फुप्पा हैं वो भी असम्बली में मौजूद होंगे तो इस तरह जरदारी साहब की फैमिली जो है वो ज्यादातर यहीं पे है अब जो 11 उम्मीदवारों ने अपने कागजात की जमा करवाए थे आर ओ हैं जी अली शेर जमाली इन्होंने कमाल किस्म का काम करते हुए जमनी इंतबात में कागजात नामजदगी मंजूर नहीं किए आसिफा जरदारी के तमाम मुखालफ उम्मीदवारों के बकौल डॉन अखबार के और साथ के जो हैं वो मस्रद करती है पाकिस्तान तरीके हमायत याफ्ता उम्मीदवार जिनका मुकाबला मुतव था आसिफा दरदारी से सरदार शेर मोहम्मद रिंद इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं और अब ये लोग अदालतों में जाएंगे धक्के खाएंगे देखते हैं क्या होता है लेकिन ये सूरत्या चल रही है अली अमीन गंडापुर के हवाले से एक ख़बर है और बार बार लोग इसके ऊपर सवाल उठाते हैं तो ये मामला मैं आपके सामने रख देता हूँ एक्चुअली यह है क्या अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान तरीकानसाफ़ के हमायत याफ़्तः उम्मीदवार हैं इमरान ख़ान साहब के साथी हैं इन लोगों ने आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा खैबर पखतूनख्वा में सारी फस्तायत के बावजूद तमाम तरहकंडों के बावजूद पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमायत याफ्तर उम्मीदवार इतनी बड़ी तादाद में जीत गए कि उन्हें मखसूस नशितें नहीं मिली इसके बावजूद वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए यानी जो सादा अक्सरियत है वह उन्होंने मखसूस नशस्तों के बगैर ही हासिल कर ली है अब उसके बाद अली मीन गंडापुर वजीरा बने जैसे ही वो बने उनके ऊपर तनकीद शुरू हो गई यानी उन तमाम लोगों ने तनकीद की जिन्होंने कभी मुरादली शाह पे तनकीद नहीं की उन तमाम लोगों ने तनकीद की जिन्होंने मरियम नवाज़ पर तनकीद नहीं की कि इनका क्या सियासत के अंदर रोल है या इनकी काबिलियत क्या है अली अमीन गंडापुर तो पहले वफाकी वजीर भी रह चुका है और अली अमीन गंडापुर एक सियासी वर्कर है गोकि आप उनकी शख्सियत से एतराज़ कर सकते हैं लेकिन वो एक सियासी वर्कर है बहुत पुराना सियासी वर्कर है बहुत लंबे अरसे काम कर रहा है वो तमाम लोग जिन्होंने आज तक किसी चीज़ पर एतराज़ नहीं किया वो अली अमीन गंडापुर के वजीर अल बनने पर एतराज कर रहे थे अब एक नया पैंतरा खेला जाता है देखिए पाकिस्तान तरीके या अली अमीन गंडापुर या उनकी जमात के बाकी लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि फॉर्म फोर्टी सेवन के ऊपर बनने वाली वफाकी हुकूमत या पंजाब हुकूमत वो अवामी मैंडेट को चोरी करके आए हैं अवामी मैंडेट के मुताबिक वो हुकूमत नहीं बनी तो वो कहते हैं हम इसकी इखलाकी हैसियत को नहीं मानते जब वो ये कहते हैं कि हम इसकी इखलाक हैसियत को नहीं मानते तो फिर उनके ऊपर तनकीद ये की जाती है फिर आप उनसे मिलते क्यों हैं या आप उनसे बात क्यों करते हैं या आप उनके साथ तस्वीर तो क्यों बनाते हैं तो मामला ये है कि हुकूमत तो बनाई गई है जैसे भी बनी है पाकिस्तान का हर शहरी जानता है पाकिस्तान से बाहर दुनिया जानती है अमेरिका और यूरोप के अंदर मुतालबात हो रहे हैं इस हुकूमत को लेकर जिस तरह के ये इतब हैं ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर लेकिन क्या अली अमीन गंडापुर ने सूबा नहीं चलाना यानी अगर अली अमीन गंडापुर मिलने से इनकार कर दे और वो कहे मैं नहीं मिलता ये हुकूमत गलत बनी है तो सारे कहेंगे ये कैसा वजीर आला जो मुलाकात ही नहीं कर रहा यानी एक दिन अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में थे शहबाज शरीफ साहब खैबर पखत में गए अली अमीन गंडापुर ने रिसीव नहीं किया तो तमाम अखबार के फ्रंट के ऊपर यह खबरें छप गई और तमाम मीडिया ने मातम करना शुरू कर दिया कि रिसीव क्यों नहीं किया वजीर आजम को तो उस तरफ ये कह रहे थे अब अगर अली अमीन गंडापुर रिसीव करे तो वो कहेंगे लो जी उसको रिसीव कर लिया ये रिसीव क्यों कर रहा है अगर नहीं मानता तो तो एक पंजाबी की मिसाल है कि आटा गुंडे हिल्दी क्यों है मैं आपके लिए इसको सिंपलीफाई कर देता हूं और ये जवाब सबके पास रहना चाहिए अली अमीन गंडापुर या पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो वाकफ है जो मुझे समझ आया है वो ये कहते हैं कि ये इखलाकी जवाब नहीं है इस हुकूमत के पास इवन कानूनी और आईनी जवाब भी नहीं है इस हुकूमत के पास कि ये इकतदार में बैठे वो इसलिए कि ये आवाम के वोटों से नहीं बनी ये मैंडेट चोरी करके आए हैं लेकिन क्योंकि ये हुकूमत पर बैठ गए हैं और उन्होंने हर चीज कब्जा कर लिया है तो खैबर खा के वसाइल या पखतुन खतूनखा का जो हक है उसको हासिल करने के लिए अली मीन गंडापुर को इन्हीं से बात करनी पड़ेगी यानी अगर वो आ रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो शौक से आगे इनके साथ बैठ के बात करते हैं मैंने उन लोगों से बात की वो कह कहने जी अपना हक कैसे छोड़ें खैबर पख्तूनखा की इतनी बड़ी आबादी है उसका हक जो है वो वफाक के पास है वहां पे आके एक हुकूमत चले चोरी करके बैठ गई लेकिन उन्हीं से मिलकर अपना हक लेना पड़ेगा अपने लोगों का हक लेना पड़ेगा तो अपने हक को छोड़ नहीं सकते लेकिन साथ साथ ये वो कह रहे हैं कि जिदोजहद हम जारी रखेंगे कि धांधली के नतीजे में मैंडेट चोरी करके आने वाले हुक्मरान हैं ये लिजिटीमेट गवर्नमेंट नहीं है इनके खिलाफ हम अपना एहतजाज भी करते रहेंगे और इनके खिलाफ तमाम फोरम चाहे वो कानूनी है अदालती है आईनी है एहतजाज के हैं तमाम फोरम्स के ऊपर वो कह रहे हैं जी हम आवाज अपनी उठाएंगे अब जनाब ये सूरतआल है पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स की कुछ चीज़ें और भी हैं इससे मुतल मैं आपके साथ शेयर करूँगा ज़रूर नेक्स्ट वी लॉग में लेकिन अभी कुछ बहुत बड़ी और ताज़ा खबर है जो मॉस्को से है मॉस्को जी रशिया का दारकूमत है और वहाँ पर क्रेमलिन के पास जो बिल्कुल उनका मेन हब है उसके लगभग बारह मील के फासले के ऊपर जो मॉस्को रिंग रोड है उसके नज़दीक एक कॉन्सर्ट हॉल है वहाँ पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है और ये एक दहशत गर्दी का हमला है इसके हवाले से मुख्तफ़ खबरें मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ दावे इसके बारे में किए जा रहे हैं रूस के अंदर होने वाला पिछले बीस साल के अंदर ये सबसे बड़ा हमला है इससे पहले जो हमला रूस में हुआ था वो बेस्लन स्कूल अटैक था ये एक स्कूल के ऊपर दहशतगर्दों ने हमला किया था इकतीस बत्तीस दहशतगर्द थे जहाँ तक मुझे याद है दो में सप्तम्बर में ये हमला हुआ था और इस हमले के अंदर जो उस वक्त हलाकतें हो गई थी उसमें बच्चे बहुत बड़ी तादाद में थे क्योंकि स्कूल था वहां पे यमाल भी बनाया गया था लोगों को और बहुत देर तक ये एपिसोड चला था दहशत मारे भी गए थे तो तीन सौ जो है वो इसके अंदर टोटल मारे गए थे जिनमें बच्चों की बहुत बड़ी तादाद थी आठ से ज्यादा लोग उसमें जख्मी हो गए थे ये रूस की तारीख का एक बड़ा खौफनाक वाक था उसके बाद जो अब तक दहशत गर्दी का पिछले 20 साल में सबसे बड़ा वाक हुआ है ये वाक गुजश्ता रोज हुआ रशिया के अंदर हुआ और इसकी ज़िम्मेदारी आई एस आई एस ने यानी दाइश ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है वाक़ क्या है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि रूसी दारकूमत ने कॉन्सर्ट हॉल पर दहशत गर्दों ने हमला करके अब तक की इतला के मुताबिक एक सौ पंद्रह अफराद को हलाक कर दिया है और लगभग वन एटी प्लस वन एटी सेवन की तादाद आ रही थी थोड़ी देर पहले तक इतने लोग वहाँ पर ज़ख़्मी हो गए हैं शदीद ज़ख्मी भी हैं बहुत सारे लोग और हलाकतों की तादाद में इजाफ़ा भी हो सकता है ये जो दहशत गर्द आए थे इनकी तादाद के हवाले से मुतजाद इतलात हैं लेकिन जिन लोगों ने बर रास्त अटैक किया है इनमें फौजी वर्दी के अंदर मलबूस पांच दहशतगर्द थे वो अंदर दाखिल हुए उन्होंने दस्ती बम्बों के साथ अटैक किया और बरह रास्त जो लोग वहाँ पर कॉन्सर्ट के लिए इकट्ठे हुए थे उनके ऊपर फायरिंग कर दी और बहुत देर तक वो फायरिंग करते रहे खुदकार हथियार थे इनके बाद ऑटोमेटिक वेपन के साथ इन्होंने फायरिंग की है वहाँ पे उस वक्त जो लोग मौजूद थे उनकी तादाद है बासठ सौ छः हजार दो सौ के करीब लोग वहाँ पे मौजूद थे वहाँ पे एक सहाफ़ी जो था उसके मुताबिक मुसल्ह अफराद ने आटोमेटिक वेपन्स के साथ दस्ती बम के साथ और एक आग लगाने वाला उनके पास बम था यानी वो एक ऐसा केमिकल यूज कर रहे थे जिसके बाद आग एकदम भड़क जाती थी और बहुत तेज़ी से फैल जाती थी और हर तरफ कॉन्सर्ट हॉल में आग फैल गई दहशतगर्द हाल में मौजूद लोगों पर तकरीबन बीस मिनट तक गोलियाँ चलाते रहे और उसके बाद रेस्क्यू वाले आए उन्होंने तय खाने से तकरीबन सौ लोगों को निकाला उनको तिब्बी इमदाद दी है और बहुत खौफनाक सूरत आल है बड़े खौफनाक मनाजिर हैं वहाँ पर अभी तक रेस्क्यू का काम जारी है और चंद दिन लग जाएंगे इस सारे काम के अंदर और सदर प्यूटन को इसके बारे में फौरी तौर पर ब्रीफिंग दी गई उनका रद्दमल जो है वो बड़ा जारहाना उसके ऊपर आया है लेकिन अमेरिका ने यह कहा है कि हमने पहले ही उसको ये बता दिया था कि एक हमला होने वाला है अमेरिका ने अपने शहरियों को खबरदार भी कर दिया था कि वो मॉस्को में और रूस के बड़े इलाक़ों में ख़ास तौर पर जो रश वाले एरियाज़ हैं या ऐसी तकरीबा जहाँ पे ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पे जाने से गुरेज़ करें अमेरिका के पास ये इन्फॉर्मेशन पहले से मौजूद थी और अमेरिका कह रहा है कि हमने पहले से वाशिंगटन से यह ख़बर आ रही है कि हमने पहले से रशिया को इसके बारे में वार्निंग दी थी और हमने पहले से बता दिया था कि दहशतगर्द ऐसी कोई कार्रवाई रूस के अंदर कर सकते हैं और रूस में अमरीकी सफार्तखाना ने कहा था कि इनके पास रिपोर्ट्स हैं उन रिपोर्ट्स की निगरानी कर रहा है कि इंतहा पसंदों के बासको में बड़े इजमात को निशाना बनाने का मनसूबा है सफ़ारतखाना में अमरीकी शहरीों को ख़बरदार किया था कि वो बड़े इजमात से गुरेज करें अच्छा अब इसमें जो है वो रूस का भी एक रद्दमल उस वक्त भी आया था और अब भी आया है और उनका अच्छा इसमें एक और चीज़ भी है कि इसराइल ने भी रशिया को एक धमकी दी है हाल ही में और उसके बाद ये एक दहशत गर्दी का हमला हुआ है याद रखिएगा कि आईएसआईएस के बारे में एक बात बार बार की जाती है कि आई एस आई एस मशरक़ में मौजूद मुसलमान मुल्कों के ऊपर अटैक करता है इराक़ में अटैक करता है शाम में अटैक करता है दीगर मुसलमान मुल्कों में अटैक करता है लेकिन वो कभी भी आई एस आई एस को ऐसा नहीं देखा गया कि वो इसराइल में अटैक करे तो बहुत सारे लोग इन खदशात का इजहार करते हैं कि आई एस आई एस की जड़ें इसराइल के साथ जाकर मिलती हैं ये इल्ज़ाम इसराइल के ऊपर बार बार लगाया जाता है तो इसराइल ने अभी रशिया के बारे में बड़ा सख्त स्टेटमेंट दिया था उसके बाद आई एस आई एस ने यह अटैक किया रशिया के अंदर इसको इस एंगल से भी कुछ लोग देख रहे हैं लेकिन अभी चीज़ें कहना कबल अज वक्त है वक्त आएगा ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी एक चीज़ और याद रखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त सदारती उम्मीदवार हैं अमेरिका में इलेक्शन लड़ रहे हैं वो बार बार ये कह चुके हैं इससे पहले भी कि आई एस आई एस को बनाने में बराक ओबामा का किरदार था बर रास्त वो इल्ज़ाम लगा चुके हैं उनका यह स्टेटमेंट गुजश्त चंद दिनों से दोबारा खबरों की मार्केट के अंदर गर्म था और उसके बाद आई एस आई एस ने जिम्मेदारी कबूल की है दाइश ने कि उन्होंने अटैक किया रशिया के अंदर कॉन्सर्ट हॉल पर जिसके नतीजे में एक सौ पंद्रह लोग अब तक मारे जा चुके हैं एक और ख़बर है इंटरनेशनली मैं आपके सामने रख देता हूँ क्योंकि रफा के ऊपर अगर इसराइल अटैक करता है तो बहुत बड़े पैमाने पर दोबारा नुकसान होगा फलस्तनी मुसलमानों का और इसराइली वजीम ने अपने मुस्तकिल इतिहादी अमरीका को यह कह दिया है कि अगर अमेरिका ने रफा पर हमले के लिए हमारी इमदाद ना की और हमें सहूलियात फ्राहम ना की जैसे कि पहले पांच महीने से वो कर रहा है अगर अमेरिका ने ऐसा ना भी किया तो भी इसराइल अकेले रफा के ऊपर अटैक करेगा और उसे कामयाब बनाने की कोशिश करेगा अच्छा ये वो क्यों कह रहे हैं क्योंकि एंटनी ब्लिकन के साथ वजीर खारजा एंटनी ब्लिकन है अमेरिका के उनके साथ एक मुलाकात हुई है नितिन याहू के दफ्तर ने फिर यह बयान जारी किया है और उन्होंने यह कहा कि हर कीमत के ऊपर रफा पर इसराइल हमला करेगा उसका नतीजा क्या होगा यह चीजें मैं आपको अगले वी में बताऊंगा लेकिन अब तक के लिए इतना ही इसराइल के लिए और अमेरिका के लिए और रूस के लिए यह एक बहुत क्रुशल टाइम है देखते हैं कि यहां पे क्या डिसीजन होता है चीजें आपके साथ शेयर करेंगे अब तक के लिए इतना ही अपना ख्याल रखिएगा अपने चैनल का भी अल्लाह हाफिज